Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Green Hell. स्वागत है आप सभी लोग का Amazon के Dangerous Rain Forest में, जिसके अंदर हम लोग बहुत बुरी तरह भटक चुके हैं और हमें ना कुछ भी करके इस जंगल से बाहर निकलना होगा जल्दी से जल्दी, वरना हम लोग यहाँ पर ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस जंगल में बहुत ज़्यादा खतरा है. बात बात पे हमें कोई ना कोई कीड़ा काट लेता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कभी पानी की कमी पड़ जाती है, कभी खाने की कमी पड़ जाती है. तो हमें यहाँ से निकलना ही निकलना है. वैसे जिसको ढूंढने के लिए, जिसे बचाने के लिए हम लोग इस जंगल में आए थे, वो है हमारी वाइफ, मीन्स इस गेम के करेक्टर की वाइफ. पर हमें पता चला कि वो सेफ है, उल्टा हम लोग इस जंगल में इतना ज़्यादा अंदर आ गए हैं कि अभी उसको और हमें कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा. और इस ड्रग लैब की वजह से ना अपना बहुत ज़्यादा फायदा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं ना, उनका सारा का सारा फूड, उनके वेपन, सब कुछ उन्होंने यहीं पर छोड़ रखे थे, जो कि मैंने सारे के सारे चुरा लिए हैं और वो अपने लिए बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं. मतलब यार, उनके पास जो फूड था ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्थ बढ़ा देता है. खैर, अभी ना मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हो सकता है कभी भी वो यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि ये एक टाइप से उनका फार्म है, उनका बिजनेस है, तो सीधी सी बात है उनका यहाँ पर आना जाना लगे रहता होगा. तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए. तो जहाँ तक मुझे लगता है ना, देखो इधर ना एक अंदर आने का रास्ता बना हुआ है, और ये उनका फार्म है जहाँ पर वो ड्रग उगाते हैं, फिर इन पौधों को ले जाके ऐसे ड्राई करते हैं. खैर छोड़ो, हमें इसमें डीप में नहीं जाना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ही वो रास्ता है जहाँ से वो लोग आया जाया करते थे. तो अगर हम लोग भी इस रास्ते पर जाएंगे, तो हो सकता है, क्या पता हम लोग इस जंगल से बाहर निकल जाएं. बाकी हाँ, मुझे ऊपर के साथ साथ ज़मीन पे भी देखकर चलना होगा. कुछ पता नहीं है कि कोई कीड़ा या फिर कोई स्नेक या फिर कोई अलग एनिमल मुझे काट ले. बाकी यहाँ थोड़ा बहुत खाने का भी जुगाड़ मुझे करना होगा. वैसे मुझे ना अभी यहाँ पर सर्वाइव करना तो आ गया है, बट फिर भी फूड अगर अपने पास रहेगा बहुत सारा, तो टेंशन नहीं रहती है. तो इसलिए हम लोग फूड अपना इकट्ठा करते रहेंगे. वैसे हाँ, यहाँ पर मुझे कुछ बनाना मिल गए, और फूड से मुझे याद आया, आप में से किसी ने मुझे कमेंट में बताया था कि जो ऊपर कोकोनट होते हैं ना, उस कोकोनट को हम लोग ऐसे स्पीयर फेंक के मारेंगे तो वो कोकोनट नीचे आके गिर जाएगा. तो वो भी मुझे ट्राई करना है. अगर वो चीज़ काम करेगी ना, तो थैंक यू ब्रो. मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी खाने पीने की, क्योंकि देखा जाए तो कोकोनट बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब मटेरियल है. उसको हम लोग पी भी सकते हैं, उसे हम लोग खा भी सकते हैं, और बाद में जब बारिश होगी ना, तो उसके बाउल को इकट्ठा करके हम लोग उसमें पानी भी इकट्ठा कर सकते हैं बारिश का, जो कि एकदम क्लीन वाटर होता है. भाई यहाँ पर एक केव है. ओ वेट, ये केव थोड़ी बहुत जानी पहचानी लग रही है. या तो ये सेम नहीं, ये सेम वही केव कैसे हो सकती है ये, जब दूसरी जगह पे. तो मुझे ध्यान रखना है, इस केव में ना बिच्छू होते हैं, मीन्स वो जो स्कॉर्पियंस होते हैं ना, वो ज़मीन पे घूमते रहते हैं. अगर उन्होंने मुझे काट लिया ना, प्रॉब्लम हो जाएगी. यार ये तो भूल भुलैया ऐसी है, कहाँ लेके जा रही है मुझे, मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई. ये केव में मैं कहाँ पर बाहर निकलने वाला हूँ? तीन चार अलग अलग रास्ते हैं इसके अंदर. ओ भाई, यहाँ पर कोई इंसान आया है. ये देखो, ये बैग है, इसके अंदर चिप्स वगैरह कुछ होंगे, बीफ जर्की ले लेते हैं, शायद कुछ खाने पीने का ये आइटम होगा. एम्प्टी कैन पड़े, कुछ बैग ऑफ नट ले लेता हूँ. एक लेटर पड़ा है, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है? मिरेकल आई सो यू बिटवीन द ट्रीज यस्टरडे, इट्स नॉट गुड. अबे यार, ये उन्हीं लोग का लेटर है, ठीक है, मुझे नहीं रीड करना. बाकी यार कुछ काम की चीज़ तो नहीं मिली है. मैट्रेस यहाँ पर पड़ा हुआ है, शायद एक दिन के लिए ना वो यहाँ पर सोया होगा. पर वो अपना सामान क्यों नहीं उठा के ले गया? उसका एक ही रीज़न है कि वो जिंदा नहीं बचा होगा, इसलिए वो अपना सामान नहीं लेगा. भाई ये जंगल स्मगलर्स के लिए ठीक है, पर बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है ना, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ ठीक नहीं है. बाकी हम लोग इस गुफा से बाहर निकल चुके हैं एक अलग ही जगह पे. मुझे नहीं पता ये मैं कहाँ पर बाहर आ गया हूँ, बट ठीक है. हाँ, मुझे याद रखना है, डायरेक्शन याद रखनी है कि मैं किस डायरेक्शन से आया हूँ, ताकि मुझे अगर वापस जाना हो उस कैंप पे, तो मैं डायरेक्टली जा पाऊँ. क्योंकि पता है एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इसमें, हमें ना मैट्रेस जो होता है ना, वहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम लोग उसके अलावा कहीं और सोते हैं, मीन्स ऐसे ज़मीन पे सो जाते हैं ना, तो 100% गारंटी है कि हमें कोई ना कोई कीड़ा काट लेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा. बट वो जो स्लीपिंग बैग होते हैं, उसमें पता है क्या होता है, हम लोग ऐसे जिप लगा के अपनी बॉडी को भी कवर कर लेते हैं, जिस वजह से रात भर में कोई भी कीड़ा वगैरह हमें नहीं काटता, और नेक्स्ट डे हम लोग एकदम फ्रेश उठते हैं. बाकी यहाँ पर कुछ फ्रूट गिरे हैं, ये फ्रूट किस किस काम आते हैं? अननोन फ्रूट है, देखता हूँ एक बार इसमें कुछ पता चलेगा. नहीं यार, इसको खा के देखूँ.
बस हाँ ठीक है, ये अच्छे फ्रूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को, उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। यानी इस टाइप के फ्रूट जो है अच्छे होते हैं। बाकी बारिश वाला मौसम यहाँ पर हो रहा है और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। सामने गाइस एक कोकोनट गिरा, बट कोकोनट के चक्कर में मैं पीछे अपने बनाना नहीं मिस करूंगा यार, खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो, यहाँ से मैंने बनाना ले लिया। दोबारा काट लिया, निकल यहाँ से यार, सांप ने काट लिया भाई। ये क्यों यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक सांप का काटना। मुझे पता है अभी क्या क्या करना होगा। वेट, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, मेरे पास उससे बचने के लिए जो चीज़ मेरे को चाहिए वो मेरे पास पड़े हुए है, तो मुझे उसे ना अपने पैर पे लगाना होगा। पता नहीं कहाँ काटा है। वेट, यहाँ ये देखो यार, यहाँ पर काट लिया इसने मुझे, दो कोड़ी का सांप। सही है कि मैंने मॉलन एरिया और टबैको लीफ को मिला के अपने लिए एक बढ़िया बैंडेज तैयार कर रखी थी, और इसके काटने के बाद ना गाइस हमें फीवर भी हो जाता है, और फीवर जो है वो सोने से ही जल्दी ठीक होता है, उसका कोई परफेक्ट इलाज नहीं है, तो हम लोग अगर सोएंगे तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। बाकी वो देखो गाइस, वो देखो ऊपर कोकोनट है। मैं एक काम करता हूँ ना गाइस, देखो मैंने मना करा था, ज़मीन पर सोना ज़रूरी नहीं है, बट अभी क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी है, मुझे यहाँ पर ना सो जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जैसे फीवर थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग उठ जाएंगे। अगर हम लोग सोए नहीं ना, तो फिर हमारा प्लेयर एकदम स्लो स्लो चलता जाएगा, तो मेरे हिसाब से इतनी देर बहुत है। मैं भी सो के उठ चुका हूँ, फीवर अभी भी है हमें थोड़ा सा, बारिश बंद हो चुकी है, और कोकोनट यहाँ से गिरा था कोकोनट। वेट, ये देखो ये पड़ा कोकोनट, तो मुझे इसे उठा लेना चाहिए। ये मैंने इसे तोड़ा, ये उठा के मैंने रखा बैग में, और जो ऊपर कोकोनट है ना, मुझे उसके ऊपर अपना स्पीयर ऐसे फेंक के मारना है। ओ वो नाइस, थैंक यू ब्रो कमेंट करने के लिए। भाई लेट्स गो, हमें यहाँ पर दो कोकोनट मिल चुके हैं, एक और है, प्लीज़ यार तू भी आ जाइए नीचे। ये मैंने फेंका, ओ लेट्स गो, यहाँ पर एक और कोकोनट आ चुका है। भाई अपनी तबीयत अब कोई भी नहीं खराब कर सकता, अपने पास कोकोनट ही कोकोनट हो जाएंगे, और इसमें अबे रुको तेरी बास्केटबॉल हो रहा है पूरा। हाँ ठीक है, तो जल्दी से ना गाइस मैं ये तीनों कोकोनट पी लेता हूँ। लेट्स गो, इसका पानी पी लेते हैं, मेरे पास खूब सारे बनाना है, तो मैं ये भी लगे हाथ खा लेता हूँ। लेट्स गो, अपने पास एक पेन किलर है, ये खाऊंगा तो शायद अपना बुखार पूरा खत्म हो जाएगा, जैसा मैंने सोचा था सेम वैसा ही हुआ। अब सब कुछ एकदम हो चुका है, और हम लोग एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पर कोई छोटी मोटी रिवर नहीं, एक पूरा का पूरा समुद्र है, बट सामने मेरे एक क्रोकोडाइल है। वेट, नहीं प्लीज भाई, एक सेकेंड, तू मुझको मारेगा कि नहीं मारेगा? आजा आजा, देख लेते किसमें कितना। यार ये मेरे को मार ना दे, मैंने उसे मार दिया। ओ तेरी भाई, वो चिल्ला रहा है वो। ओ भाई भाई रुक जाओ भाई, यहाँ पर एक क्रोकोडाइल है, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा, मर गया मेरे हिसाब से। ओ नहीं, वो भाई सा मुंह खोलेगा, तेरे मुंह के अंदर ही भाई लेट्स गो, उसके मुंह के अंदर ही मैंने अपना स्पीयर फेंक के मार दिया। बट मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है, ये जिंदा या मर गया है। बेटे उठने की गलती मत करियो, एक और ले भैंस की, एक और मारूंगा अभी मैं इसको, ले मर जा, अच्छे से मर जा, मुझे कोई बाद में ना दिक्कत नहीं चाहिए। लेट्स गो, हमने एक बहुत बड़े क्रोकोडाइल को मार दिया। ओ नाइस, क्या हम लोग इसका भाई भाई बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। इतना अच्छी बात तो ये कि क्रोकोडाइल की स्पीड ना बहुत कम होती है, और मेरे पास दो दो स्पीयर थे, और इसको मारने के बाद देखो हमें कितना ज़्यादा मीट मिल चुका है। मुझे इसे हार्वेस्ट करके ना खा लेना चाहिए, ताकि अपनी फूड की प्रॉब्लम दूर हो जाए। और गाइस हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग नीचे देखो जहाँ पर मेरा हेल्थ बार है, जैसे ही हमने क्रोकोडाइल को मारा ना, अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, तो हमें उसे साफ़ करना होगा। बाकी जो कोकोनट बाउल है ना, मैंने यहाँ पर गिरा दिए ताकि बारिश हो तो इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाए, इसे भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ईट ईट, फेंक दिए दोनों के दोनों बाउल। अभी चल करना, मुझे जल्दी से अपनी बॉडी वॉश करनी होगी, क्योंकि ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हाथ पांव गंदे रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें इनसे भी इन्फेक्शन हो जाए, तो इससे बेटर यही है कि दो मिनट लगेगा, अपनी बॉडी वॉश कर लो। तो वो नीचे देखो आप कैसे बार कम हो रहा है ना, तुम्हारा भाई सीख चुका है अभी सर्वाइव करना। बाकी वो जो राइट में एक चीज़ आ रही है ना, उसका भी एक सॉल्यूशन है, तुम्हारा भाई फुल सीख चुका है सर्वाइव करना। वैसे यहाँ पर ना भी एक प्रॉब्लम और है, इसे शायद से सैनिटी कहते हैं, और इसको ठीक करने के लिए हमें येलो मशरूम, नहीं सॉरी रेड मशरूम खाने हैं, और ये चले गए, ठीक है। अभी हम लोग एकदम बिल्कुल ठीक है ना, हमें बुखार है ना हमें कोई प्रॉब्लम है, सांप काटा था वो भी एकदम ओके हो चुका है। अभी अगर दिक्कत है तो वो है कि हमें थोड़ा बहुत मतलब कि सोना चाहिए, क्योंकि अभी ना हम लोग बहुत देर से चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। यहाँ पे पानी है, बाउल को मुझे सही से गिराना चाहिए ताकि इसके अंदर पानी इकट्ठा हो। यार बैग में ना जगह नहीं है, ये बोन फेंक देता हूँ, एक बोन अपने पास पड़े रहनी चाहिए, इसकी मैं नीडल बना लेता हूँ। वेट, तो मैंने अपने पास बोन नीडल बना लिया है, तो इसको हम लोग फेंक देते हैं, दो बोन नीडल मेरे पास हो गई है, क्योंकि
बाकी दो कोकोनट बाइडन मेरे पास पड़े हैं तो उसे पड़े रहने देते हैं, थोड़ा सा वाटर इकट्ठा कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। बट अभी ना मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए। सामने की तरफ में ना गाइस ट्राइब के बंदे हैं और ये लोग यहाँ पर पता नहीं किसे पकड़ने के लिए आए हुए हैं, पर मुझे अभी इसे मारना पड़ेगा। रुक जाओ, 3-2-1 ओनली हेडशॉट ब्रो। अबे हेडशॉट नहीं लगा, मैं मार दूंगा तेरे। पर तेरी भैंस किसे पता ही नहीं चला मैं कहाँ पर हूँ। ओ नहीं मार, पर तेरी ऐसे की तैसी मर जाना। ओ गया गया गया, वेट वो मर गया। मेरे टूल्स वापस कर, मेरे टूल्स वापस कर चोर भाई साहब। सही है कि यहाँ पर और तो नहीं है ना, ये अकेला था भाई। ये लोग यहाँ पर ध्यान रखने के लिए आते रहते हैं क्या? और अभी हम लोग इसकी भी बॉडी से ह्यूमन मीट निकाल सकते हैं। और नहीं, ये थोड़ा बुरा होने वाला है। इसकी बॉडी काट के हम लोग अपने पास ह्यूमन मीट रखने वाले हैं। मुझे ना गाइस खाना पका के ना जल्दी से खा लेना चाहिए, क्योंकि सच्ची में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने बैग में इतना ज़्यादा सामान हो गया है ना कि हम लोग ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं। ये सब मैं फेंक देता हूँ। इसको कोकोनट बाउल को यहाँ पर फेंक देते हैं। इसके अंदर पानी इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड अपने पास सारा कच्चा है, ये सब खा लेता हूँ मैं। मेरे पास ना काफ़ी सारे फालतू के ये एम्प्टी कैन है, मुझे इसका यूज़ नहीं पता इसलिए मैं ये सारे फेंक दे रहा हूँ। काफ़ी सारी ये बैंडेजेस हैं, इसे मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। खैर यार बारिश बंद हो गई है और रात होने को आ गई है। मैंने सोचा था कि यार मैं ना घर के बाहर नहीं सोऊंगा, बट अभी अपने पास ना कोई और ऑप्शन ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा रात होने वाली है तो मुझे यहीं पर सोना पड़ेगा। नेक्स्ट डे जो बीमारी होगी ना हम लोग उससे लड़ लेंगे। वैसे अगर टाइम देखा जाए ना तो शाम के इस टाइम 5:30 बज रहे हैं। बाकी एक बारी देखो अपनी हेल्थ स्टेटस एकदम ओके है, जो कि मुझे देख के ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खैर ये कोकोनट बाउल मैं यहाँ से उठाता हूँ और अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। यार जंगल में सर्वाइव करना ना सच्ची में बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और धीरे धीरे करके ना सूरज भी डूब गया उन पहाड़ों के पीछे और अब शायद से टाइम आ चुका है सोने का, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो किस तरीके से अंधेरा यहाँ पर बस होता ही जा रहा है। लेट्स गो, कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लेता हूँ मैं आज सोने के लिए। सामने मुझे कोबरा स्नेक नज़र आ रहा है, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। तो हम लोग यहाँ पर ना यही एक जगह है जो मेरे को थोड़ी ठीक लग रही है, तो यहीं पर सोते हैं। बट हाँ यार सोने से पहले मुझे अपनी बॉडी वॉश करनी होगी, क्योंकि हमने वो जो ट्राइब का बंदा था ना उसको भी हमने कट करा था मींस, तो आपको पता है बॉडी गंदी हो जाती है उससे। लेट्स गो, तो अभी हमने अपनी बॉडी साफ कर ली है और टाइम आ चुका है इसी जगह पे सोने का। चांसेस है कि नेक्स्ट डे हमें कोई बीमारी या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए। ओके गाइस लेट्स गो। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोग सो के उठ गए हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि हो सकता है कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, और ये देखो यहाँ पर कीड़े ने काट लिया, तो इसका मुझे पूरा ट्रीटमेंट आता है जो कि मैं जल्दी से कर रहा हूँ। मुझे बस यहाँ पर नीडल से उसकी कीड़ा ना अंदर ही घुस गया है मेरे हाथ के, तो मुझे इसे कट करके बाहर निकालना है कीड़े को नीडल से। और अभी भी प्रॉब्लम है अपनी बॉडी में। वेट चारों अबे तेरी इस वाले हाथ में भी काट लिया यार, ये बड़ी गलत बात है कीड़े। रुक जाओ मुझे एक नई लीफ बनानी पड़ेगी, मुझे इसे क्राफ्ट करना है और इसके अंदर मुझे रखने हैं मेरे पास तो टोबैको लीफ भी। अबे यार वेट, मुझे टोबैको लीफ ढूंढनी होगी अभी। खैर छोड़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। टोबैको लीफ ढूंढ के इसका ट्रीटमेंट मैं कर दूंगा, मुझे अच्छे से आता है। जो टोबैको लीफ होती है ना वो पर्पल कलर की होती है, मींस उसमें थोड़ा सा ना ऐसे मिक्सचर रहता है। वेट, यहाँ पर मुझे एक और कोकोनट मिला, एक कोकोनट ऊपर भी है तो इसको भी अभी हम लोग तोड़ के नीचे गिरा देते हैं। ये मैंने मारा उस पर अपना स्पीयर, कोकोनट नीचे आ गया। और ये वाला जो आप स्पीयर देख पा रहे हो ना ये उन आदिवासियों का है, तो सीधी सी बात है ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। अपने पास ना यार फूड बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे इसे खा लेना चाहिए। प्लीज़ यार कहीं तो मिल जाए मुझे टोबैको लीफ, मतलब कि जब इसकी ज़रूरत नहीं होती ना तो बात बात पे बहुत ज़्यादा मिलते रहती है, बट आज मुझे चाहिए तो दूर दूर तक मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। वेट, क्या मैं उस जगह पे वापस आ गया हूँ जहाँ से मैं निकला था, या फिर ये कोई दूसरी जगह है? यहाँ पर तो सेम टू सेम कुछ उसी टाइप का एक बहुत बड़ा कैंप है, या फिर कुछ तो यहाँ पर ये अमेजिंग चीज़ है। वेट ये क्या है, मेरे को यार इसे देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये सब है कुछ, इससे मेरा स्टैमिना बढ़ेगा तो ये मशरूम मैं खा लेता हूँ, ये छोटा वाला फ्रूट भी खा लेता हूँ, और मुझे ना यहाँ पर कैंप फायर लगाना होगा। ये क्या है? ओ वेट, मैं समझ गया हूँ, इसमें से पानी मिल रहा है तो ये यहाँ पर मुझे ये ना गाइस शायद से वाटर फिल्टर है, तो यहाँ पर मुझे ये डालना है। नीचे मुझे बाउल रखना है, इसके अंदर ना पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी यहाँ पर इसे भी गिरा देते हैं, इसके अंदर भी अपना पानी आता रहेगा। तो ये एक अलग ही जगह है, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर एक बैग है जिसके अंदर कुछ स्नैक्स पड़े हैं, कार की बैक सीट यहाँ पर पड़ी हुई है जिसमें हम लोग सो सकते हैं, और ये रहा स्लीपिंग बैग। इधर ऑरेंज जूस है,
अपने को प्रॉब्लम चल रही है ना तो ऑरेंज जूस पी लेते हैं भाई, ये काम आएगा। स्नैक्स भी मैं खा पी के ख़त्म कर देता हूँ। मुझे ना एक कैंप फायर बनाना होगा, बट अभी बारिश हो रही है। एक काम करते हैं, पहले गेम सेव करते हैं यहाँ पे। मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। मुझे ना एक बारी मियाँ से बात करनी चाहिए और थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पे रेस्ट कर लेना चाहिए। तो अभी जल्दी से एक बारी मियाँ से बात करते हैं। आई माइट हैव कम अक्रॉस अ मियाँ, आई हैव समथिंग टू टेल यू, बट डोंट फ्रीक आउट। ओके। तो जब हमने क्रोकोडाइल को मारा था तो ये उस बात को लेके एक्साइटेड है। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी मियाँ से बात हो चुकी है वॉकी टॉकी पे, और हम बस उसके आगे फ्लैक्स मार रहे थे कि हमने एक क्रोकोडाइल को मार दिया, और वो वैसे काफ़ी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि सीधी सी बात है यार। वेट, पानी में मगरमच्छ है भाई, मुझे किसी ने बहुत गंदा काटा है। अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा भाई। सच्ची में यहाँ पर मैं मज़े ले रहा था कि मैंने क्रोकोडाइल को मार दिया और तभी मेरे ऊपर अटैक हुआ है, जिस अटैक से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ गई है। मैं बस रिवर पार करके इस साइड इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे उस साइड कहीं पर भी टोबैको लीफ नहीं मिल रही है, और अगर हमने टोबैको लीफ उस जगह पे नहीं लगाई ना जहाँ अपने इन्फेक्शन हुआ था, तो वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा, फिर हमें फीवर हो जाएगा और हम लोग को बेमतलब सोना पड़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग मारे जाएंगे। तो इसीलिए मुझे अभी टोबैको लीफ ढूंढनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी। यहाँ पर कुछ ये मोलन एरियाज हैं, इसे उठा लेता हूँ क्योंकि इसी से मेनली वो बैंडेज बनती है। तो बट इससे, इस अकेली बैंडेज से कुछ नहीं होने वाला। ये मैं कहाँ गया? हेलो, कोई ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर तो दो दो कैंप फायर है। मेरे पास खाना पड़ा हुआ है ना, मैं अपने खाने को यहाँ पे पकाने के लिए रख सकता हूँ। वेट, मैं उसको यहाँ पे रख देता हूँ। 1, 2, 3। अभी मुझे जल्दी से ना बस इसके अंदर आग लगानी है, इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर मुझे डालनी होगी ये मैं कहाँ पर आ गया भाई? मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पर ट्राइब के बंदे रहते हैं, या फिर यहाँ पर कोई ना कोई मेरी तरह सर्वाइवर आया है। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अभी अभी आके यहाँ से गया हो। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा कैंप फायर है। ये देखो यहाँ पर ये कोकोनट बाउल भी पड़ा हुआ है, और इतने सारे कोकोनट यहाँ पर कौन पैक के जाएगा भाई? अरे यार, मेरा स्पीयर भी टूट गया, बट कोई मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें ना, ये सारा कोकोनट का पानी मैं पी लेता हूँ क्योंकि अपने को इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा हेल्थ की ज़रूरत है। भाई यहाँ पर पीछे की तरफ में एक बो भी पड़ा हुआ है, और ये सब कुछ मशरूम्स हैं, ये भी मैं उठा लेता हूँ। यहाँ पर भी कुछ मशरूम है, ये अपना स्टैमिना बूस्ट करेंगे, ये भी मैं ले लेता हूँ। भाई ये देखो यहाँ पर कितने सारे बैम्बू स्पीयर्स बने हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि शायद यहाँ पर मियाँ हो, बट नहीं, वो तो कह रही है वो बिल्कुल सेफ है, तो उसके इस जंगल में होने का कोई मतलब नहीं है। अपने साथ साथ कोई और सर्वाइवर भी है क्या यार यहाँ पे? मतलब यहाँ पर ये सब चीज़ें होने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। खैर, यहाँ पर एक पैरट है, इस पैरट को मुझे उठाने के लिए ना अपनी इन्वेंट्री में स्पेस बनाना पड़ेगा, और ये सारा फूड ख़राब हो चुका है, इसको फेंको यार, कितना बुरा लग रहा है यार। इतनी मुश्किल से अपने पास इतना सारा फूड आया, मैं इसको ना हार्वेस्ट करके उठा लेता हूँ। वेट, अब आ जाएगा, लेट्स गो। इसको भी ले जाके ना यहाँ पे मैं पकाने के लिए रख देता हूँ। काश यार अपना फूड जल्दी से पक जाए और हम लोग इसे खा पाएँ। वेट, तो इसे मुझे उठा के रखना है इस साइड पे। बाकी गाइस यहाँ पर ये देखो, उसके जो बनाना ख़राब हो गए होंगे ना बंदे के, वो सब कुछ यहाँ पे फेंक के गए। इस तरफ में एक टॉर्च है, क्या इस टॉर्च को मैं इसमें जला सकता हूँ? ओ नाइस, ये रात में बहुत ज़्यादा काम आएगी। फ़िलहाल मैं इसे अभी अंदर रख लेता हूँ, ठीक है, पता नहीं ये बुझ ना जाए, क्योंकि इसे जलाने के लिए दोबारा से मुझे, ये देखो यहाँ पर सारे के सारे ट्री कटे हुए हैं, यानी कि वो आया यहाँ पर ट्रीज वगैरह काट के जो जो चीज़ें उसे बनानी थी वो सब बना के वो आगे चला गया है, और फालतू की चीज़ें उसने यहाँ पर पीछे ही फेंक दी है। अगर वो बंदा हमें मिल जाए तो हम लोग उसके साथ मिल के यहाँ पर बाहर निकल सकते हैं। पता नहीं यार वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या सीन है, कोई आइडिया नहीं। बाकी यार सामने की तरफ में क्या ही वाटरफॉल है ना यार, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा मुझे वो लग रहा है। वेट, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ओ नाइस, मुझे यहाँ पर टोबैको लीफ मिल गई, लेट्स गो। अबे यार टॉर्च से नहीं, इसे मुझे, मेरे को यार इसे तोड़ने के लिए मेरे पास क्या क्या है, स्टोन ब्लेड है, स्टोन ब्लेड, ओ वेट, मेरे पास एक नॉर्मल एक्स है, इससे बहुत जल्दी टूट जाएगा और अपनी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेट्स गो, मुझे ये उठाना है, इससे मुझे पहले बनानी है बैंडेज, ये बन गई, और इसमें लगा देनी है टोबैको लीफ जो कि मेरे पास मेरे बैग में नहीं आई। हाँ ये रही है, तो ठीक है, मुझे इसे करना है क्राफ्ट, यहाँ पर रखनी है। टोबैको लीफ कहाँ है गाइस? अभी ना मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उस टोबैको प्लांट को तोड़ने पे मुझे टोबैको फ्लावर तो मिल गया बट टोबैको लीफ नहीं मिली यार, हमें लीफ की ज़रूरत है इस टाइम पे। हाँ, तो इस वाटरफॉल की मैं बात कर रहा था, देखो यार ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बट यार अभी मूड ख़राब हो गया यार, मुझे लग रहा था कि मैं एकदम ठीक हो जाऊँगा,
बट मैं नहीं हो पाया ठीक, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है। टोबैको लीफ शायद हो सकता है कि कभी कभार ना मिलती हो, बट मैंने प्रॉपर उसका यार प्लांट तोड़ा, मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए थी। खैर अभी हम लोग ना वापस चलते हैं, मेरा सारा खाना पक चुका होगा, वहाँ पर चलकर ना मुझे खाना खा लेना चाहिए अपने पास। हाँ सारा खाना पक गया है, और थोड़ी देर के लिए अभी बीच में बारिश हुई थी जिस वजह से बाकी सारा खाना ना जो पकना था वो पक भी नहीं पाया। तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड है, ये सारा मैं खा लेता हूँ। ईट एंड ओह, इसको खाते ही ये क्या हुआ मुझे, अपने पास स्टैमिना की कमी है क्या? वेट मेरे पास, ओ भाई इसको खाते ही कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओ भाई ये कहाँ से, पीछे हो पीछे हो पीछे 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 पीछे, ओ भाई आ जाओ बेटा आ जाओ, कोई डर नहीं मारा मेरे को। इसकी टांग तेरी, निकल यहाँ से, उठाओ 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 उठाओ। ये क्या है भाई, इसको मारते ही वो जो एक ब्रेन का होता है ना, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मेरे को अपनी वॉच में देखना पड़ेगा मेरे में क्या। ये देख रहे हो मेरा इस टाइम पे सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है भाई, उसमें कुछ मिला हुआ था क्या? मेरे को अपने आप को ठीक करने के लिए क्या करना होगा यार, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं यहाँ पे सो भी नहीं सकता यार, वेट मुझे ना उस जगह पे वापस निकलना चाहिए, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, मुझे यहाँ से वापस जाना ही होगा। ओ भाई यहाँ से कूदूंगा तो बहुत गंदा मरूंगा मैं। वेट मेरी हेल्थ ना धीरे धीरे करके जा रही है भाई। ये क्या है, ये टोबैको लीफ नहीं है, ये टोबैको लीफ नहीं है भाई। इतनी बड़ी प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होगी, बेमतलब की मैंने फूड खाया और वो खाते जो हुआ है, ये देखो जो लेफ्ट में जो ब्रेन आ रहा है ना ये बिल्कुल रेड हो गया है। ये पानी पीने से ठीक तो हो जाता है जहाँ तक है, थोड़ा सा भी नहीं बढ़ रहा, उल्टा सैनिटी हो गई यार। रुक जाओ मुझे ये जो रेड वाले हैं ना ये खाने पड़ेंगे, उससे ठीक हो जाएगी। इसको ठीक करने के लिए क्या सोल्यूशन होगा यार इसका? मेरे को इस टाइम पे थोड़ा सा फीवर हो चुका है, सैनिटी हो रही है, वो तो खैर ठीक हो जाएगी ये खा के, बाकी फीवर के लिए मुझे थोड़ी देर सोना पड़ेगा। यार ये रिवर क्रॉस करके मैं जा तो रहा हूँ, बट मुझे बीच रास्ते में क्रोकोडाइल ने अगर काटा ना तो मैं मर ही जाऊँगा इस बारी, बट वेट मैं बच गया। फीवर दोबारा से हो चुका है, एक बार ही ठीक हुआ, दोबारा से हो चुका है। और अगर रेड वाले मशरूम ख़त्म हुए ना तो वेट यार मैं मरने वाला हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। मुझे पहले गेम सेव करना होगा अपना यहाँ पे। वेट यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर जितना भी खाना है ना मैं सोच रहा हूँ कि इसे सारा का सारा ना खा लेते हैं। ये सब यार ये ट्राइब के बंदे कब आते हैं, इसके आने का पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा खासा कुक्ड फूड था भाई वो, मैंने अच्छे से पकाया उसे खाया, और ये प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर पानी है ये पी लेता हूँ, इधर भी बाउल है ये भी पानी पी लेता हूँ, बट ये जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये मेरे से कैसे दूर भागेगी। मेरे पास टॉर्च थी ना, टॉर्च तो खैर बुझी हुई है, इसमें आग भी लगानी पड़ेगी मुझे इस टॉर्च से भी, तो लेकिन कुछ नहीं होने वाला अभी। ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, और मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। अगर मुझे वो टोबैको लीफ मिल जाती तो सीधी सी बात है वो जो इन्फेक्शन मेरे हाथ में होता वो ठीक हो जाता और मेरे फीवर वगैरह नहीं होता, बट अभी मेरे को फीवर भी हो रहा है और ट्राइब के बंदे मेरे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, पता नहीं यार अब आगे क्या होने वाला है। हाँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना मुझे क्या करना चाहिए। बाकी जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से, और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।